एमपी की राजधानी भोपाल के पौश इलाके E4 अरेरा कॉलोनी में बुधवार शाम ज्वेलर के घर में 1 करोड़ रुपए की लूट हो गई। 3 नकाबपोश पेंट करने की मशीन उठाने के बहाने घर में घुसे। इसके बाद ज्वेलर की पत्नी के गले से चाकू उड़ाकर जेवर और नकदी लूट ले गए। ज्वेलर की पत्नी ने अलमारी की चाबी पास नहीं होने की बात कही तो बदमाश ने ताला तोड़ा। उन्होंने कुल 10 मिनट में लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले रैकी की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को ग्वालियर जा रहे हैं। वह दोपहर बाद 3 बजे स्टेट हैंगर से ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे ग्वालियर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। भोपाल कमिश्नरेट पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने वीआईपी श्रेणी की नई लिस्ट जारी की है। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव वीआईपी नंबर 1 होंगे। प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के कारण उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस तरह पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को जेड प्लस कैटेगरी से बाहर नहीं किया गया, लेकिन वे उनका कॉल साइन बदल दिया गया है। वे अब वीआईपी नंबर 5 होंगे। डीसीपी इंटेलिजेंस भोपाल संजय अग्रवाल ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। नए साल की शुरुआत से ही पूरा मध्य प्रदेश सर्द हवाओं से ठिठुर रहा है। घना कोहरा छा रहा है। गुरुवार रात भोपाल, इंदौर, रायसेन, टीकमगढ़, नर्मदापुरम, बड़वानी और रायसेन में हल्की बारिश हुई। बुधवार को ग्वालियर सबसे ठंडा रहा।